गाढ़ी होने लगेगी तब हम इसमें घी डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। अच्छे से इसको मिला लेने के बाद हम एक पैन में चाशनी बनाएंगे शक्कर से, और ये जो हमारा मैटर बना है उसको हम उसमें डाल के हिलाएंगे। अच्छे से हम उसमें हिलाते रहेंगे जब तक कि ये सारे शक्कर घुल ना जाए। इसके बाद हम इसमें जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें डालना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले त्रिफला यानी कि आंवला जो है वो क्या करता है, हमारे इन्फ्लामेशन की या कोई भी जो हमें इन्फेक्शन हुआ उसकी सूजन को कम करेगा। हरित की जो फंगल ग्रोथ को कम करती है। बहेड़ा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और इसमें जो नागर मोथा, विडंग और निशोथ होती है इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो हमें किसी भी एलर्जी होने से बचाती है। तेजपत्र और नागकेसर हमें जुखाम, खांसी या सांस से जुड़ी समस्या से राहत दिलाता है। पिपली हमारी सूजन को कम करती है। दालचीनी हमारा खून साफ करती है। और लोह भस्म जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और ब्लड प्योरीफाई करती है। सब कुछ मिल जाने के बाद हमारा हरिद्रा खंड तैयार है। इसे डब्बे में भर के सुरक्षित करें। ये सभी प्रकार की एलर्जी, दांत खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज सबके